इसी तरह से अपने स्वयं पर घर के नजदीक में एक बहुत अच्छी औषध है, जिसको आप चाहें तो उपयोग कर लीजिए। आपके पास थोड़ी भी जमीन है तो उसमें वो लगा सकते हैं, वो है पालक और एक है मेथी। इसको भाजी पाले के रूप में आप सब उपयोग करते हैं, ये दोनों ही अद्भुत है। मेथी और पालक का सबसे रक्त को तेजी से बढ़ाना शरीर में, जिनको भी शरीर में रक्त अल्पता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, खून बनना कम हो गया, शरीर में रक्त की कमी आ गई है, किसी भी कारण से खून नहीं बन रहा है, शरीर में रक्त की कमी है, उनको सबसे अच्छा है मेथी का रस और पालक का रस देना शुरू कर दीजिए। जूस के रूप में दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तो सीधे पत्ते चबा के खाने को दे दीजिए तो भी काम करता है। शरीर में रक्त की मात्रा तेजी से बढ़ाने की सबसे ज्यादा ताकत जिनमें है, उनमें से ये एक है पालक और मेथी। हाँ, ऐसा होता है लेकिन सभी को नहीं होता। जिनको शरीर में पहले से एक खराब बीमारी हो, बार बार डिसेंट्री होने की, बार बार संडास लगने की, उनको ये ना खाएं तो अच्छा है। एक ही लोग हैं जिनको ये नहीं खाना चाहिए, जिनको बार बार संडास जाने की तकलीफ हो, जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी बढ़ गई हो, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आ गया हो, उनको पालक और मेथी से बचना चाहिए। और एक लोगों को बचना चाहिए जिनको मूत खड़ा है, किडनी में हो या गॉल ब्लैडर में, उनको भी मेथी और पालक खाने से बचना चाहिए। बाकी कोई भी इसको खा सकते हैं, स्त्री भी खा सकते हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। और जिनको संडास नहीं आती है, आसानी से पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए तो सबसे अच्छी औषध है ये पालक, सबसे अच्छी औषध। पालक की भाजी रोज खाइए, मेथी की भाजी रोज खाइए। मेथी की भाजी जितने दिन मिलती है उतने दिन खाइए, कम से कम साल में 3-4 महीने तो मेथी मिलती ही है, कम से कम साल में 3-4 महीने पालक तो मिलता ही है। तो भोजन लंच में या तो डिनर में एक बार चाहे मेथी और एक बार पालक नियमित रूप से 3 महीने खाएं, तो अगले 9 महीने तक आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां नहीं आए, उसकी गारंटी ये दो सब्जियां देती। 3 महीने खा लिया तो अगले 9 महीने के लिए फुर्सत। तो बहुत अच्छी है, सस्ती मिलती है, ज्यादा महंगी नहीं है, और घर में भी लगा सकते हैं। थोड़ा भी आपके पास अगर खेत है, घर के आजू बाजू में थोड़ा भी, तो वहां पर आसानी से पालक लगाया जा सकता है, मेथी लगाई जा सकती है। ये मेथी और पालक बहुत अच्छे से औषध के रूप में काम आते हैं उनको जिनको एक बीमारी है बहुमूत्रता। बहुमूत्रता माने बार बार पेशाब जाना, बार बार लघवी के लिए जाना, बार बार लघवी के लिए जाना, एक तास में 2-3 बार लघवी के लिए चले जाएं, रात में या दिन में, ऐसी बीमारी को बहुमूत्रता कहते हैं। इस बीमारी की सबसे अच्छी औषध के रूप में यह है पालक और मेथी, अद्भुत है, आप इसको उपयोग करें। जिनको आंखों की रोशनी कम हो गई हो, कम दिखाई देता है, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। जिनको सवेरे ही सोते सोकर उठने से बहुत चक्कर आते हो, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। शरीर में रक्त के दूषण से कोई बीमारी जिनको बार बार होती हो, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। और आखिरी, जिनको डायबिटीज है, उनके लिए तो ये सर्वोत्तम औषध है। डायबिटीज के हरेक मरीज को रोज मेथी खानी चाहिए भाजी के रूप में, रोज पालक खाना चाहिए। जितना ज्यादा मेथी और पालक की भाजी खाएंगे, उतनी जल्दी डायबिटीज आपके शरीर से खत्म हो जाए।